स्वागत है जी आपसे एक हमारी एक और नई वीडियो के अंदर। तो कैसे हो आप लोग, आई होप सभी अच्छे हो। अभी काफी दिन पहले हमने ना अपने यहाँ टोचन किंग का एक गाड़ी के साथ टोचन करा था, थार 4x4। वो भाई मथुरा था, भाई यार था अपने पास टोचन करने खातर स्पेशल। उस भाई ने अपनी थार के साथ ना कई ट्रैक्टर खींच रखे थे, सोनालिया भी खींच रखा था, शायद स्वराज भी खींच रखा था। तो वो इसी उसमें मतलब भाई निशु भाई के पास जाऊंगा और इस ट्रैक्टर का टोचन करूंगा, शायद इस ट्रैक्टर ने भी खींच पाऊ, मतलब जो भी सोचती उस भाई की। तो देखी थी आज सभी ने वीडियो, यो ट्रैक्टर यार, इस ट्रैक्टर के टायर हमने बहुत बड़े बड़े लगा रखे, तो इसमें पावर इशू ज्यादा है कुछ, हमने इसमें टर्बो भी इंस्टॉल कर रखी, इस वजह से इसकी पावर ज्यादा है। तो भाई इसने थार बुरी तरीके से हरा दी थी, हालांकि उस टाइम इसके टायरों में पानी नहीं था, फिलहाल तो इसके टायर में पानी भी है। उस वीडियो के नीचे और उसकी जो एक दो दिन बाद जो मैंने वीडियो डाली ना, उन वीडियो के नीचे कमेंट आया था भाई फॉर्च्यूनर के साथ टोचन करो। तो प्लान मैंने कराया भाई फॉर्च्यूनर के साथ टोचन करते हैं, लेकिन टाइम नहीं लग पाया क्योंकि यार अगर वीडियो कोई भी बना रहे हैं, कोई भी स्क्रिप्टेड वीडियो बना रहे हैं भाई, हमने दो चीजों का टोचन कराना। अब देख लो वैसे तो हम कोई स्क्रिप्ट लिखते नहीं, ऐसे जो सिस्टम हैंग होता रहो है उसकी वीडियो बनाते रहो हम। तो भाई इसकी और फॉर्च्यूनर की वीडियो मैंने सोच ली भी बनाऊंगा फ्यूचर में कभी जब टाइम लगेगा। आज अपने पास दो भाई आ रहे फॉर्च्यूनर लेके आए, बस प्रॉब्लम एक है यार, प्रॉब्लम एक है, वो 4x2 है, 4x4 नहीं। देखते हैं इस गाड़ी से टोचन करते हैं, अगर दोनों बराबर रह गए। अब देखो यार बराबर में इसलिए कह रहा है क्योंकि यार वो गाड़ी भी बहुत बड़ी है, फॉर्च्यूनर 4 सिलेंडर का इंजन, अपने ट्रैक्टर 3 सिलेंडर इंजन है। सिर्फ फर्क इतना है इसके टायर बड़े हैं, फॉर्च्यूनर का इंजन जहां तक मेरा ख्याल, अगर हम सीसी के हिसाब से बात करें तो अपने इस ट्रैक्टर की जितना है इसका कंपनी तरफ 2900 सीसी के आसपास का इंजन इसका है, और 2800 के आसपास का ही फॉर्च्यूनर का इंजन, तो दोनों के बराबर है। टर्बो फॉर्च्यूनर में भी लगी हुआ है, टर्बो अपने वाले हमने टोचन किंग में भी लगवा रखी। हाँ अगर ये ट्रैक्टर उस तक जीत गया ना, फिर स्वराज के साथ कराऊंगे, स्वराज थोड़ा सा इसका मतलब पावर में थोड़ा कम है फिलहाल के टाइम पे, फिलहाल के टाइम पे, आने वाले टाइम में तो उसका कुछ पता ही नहीं क्या होगा, फिलहाल के टाइम पे इसका थोड़ा पावर में कम है अपने वाला स्वराज। और हाँ अगर वो गाड़ी 4x4 होती ना, फिर तो यार मतलब सिस्टम आ गया ना, मजा आ जाते, लेकिन कोई बात नहीं, आप टेंशन ना लो, करेंगे 4x4 फॉर्च्यूनर के साथ भी टोचन, इसका पानी निकाल के करेंगे, फिर दोनों में वजन 22-23 क्विंटल के आसपास की फॉर्च्यूनर होंगी होगी, इतना ही अपने ट्रैक्टर में वजन रह जाए पानी निकालने के बाद, फिर आओगा टक्कर का मुकाबला। बाकी आज वाली वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो बने रहना आप, और अपनी थार भी ठीक होगा, कल रात मैंने धो दी, आओ आपसे भी दिखाता हूँ मैं। या खड़ी अपनी थार, कल काफी टाइम लगा मेरा इसने वॉश करने में, मैंने अपने आप ही करी, और अरे इसकी चाबी मेरी जेब में, मैं एक बार इसने अनलॉक कर लेता हूँ, कर ली अंदर से भी देखो बिल्कुल चकाचक निकाल रखी, क्योंकि जब इस पर ड्रिफ्ट मारी थी ना तो इसके अंदर भी जब मतलब कैमरा लेकर सोनू बाहर निकला, अंदर गया आया इसके गाड़ी के, तो इसके अंदर ही बुरा हाल हो रहा था, गिल्ली मिट्टी के साथ बुरा हाल हो रहा था इसमें। तो इस गाड़ी का हमने आज तक एक ट्रैक्टर के साथ टोचन कराया, 50-50 D 14 के टायरों में था, बिना पानी का ट्रैक्टर था वो, और उस ट्रैक्टर तो यार जीत गई थी, पता नहीं क्या चक्कर था भाई, जीत गई उस तक फिर भी, 4x4 गियर लगा रखा था इसका हमने। कई मेरे भाई ये भी कह रहे भाई इस महिंद्रा थार का अपने वाले टोचन किंग के साथ टोचन कराओ, तो यार देखो सीधी ही बात, दिखती सी बात है यार, वो कहाँ छोटा का इसने, लेकिन फिर भी अगर आप सभी की डिमांड है ना तो अपने वाले टोचन किंग का आरिश का भी करा दे होंगे, बाकी मैंने पता तो है यार यहाँ कहाँ टिक पाओगी टोचन किंग के आगे, या तो टिक नहीं पाओ बिल्कुल भी। बाकी हमने स्वराज अपने वाला बाहर खड़ा कर रखा, और एक और बात उसमें तो टोचन डाल रखा हमने ऑलरेडी, दिखाऊंगा आपसे भी ताजी, और देखो टोचन भी डाल रखा उसमें, पट्टे वाला टोचन ठीक है, क्योंकि अगर जो तार वाला टोचन हो ना उसमें फिर गाड़ी में, ट्रैक्टर में तो कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी में कुछ टूट फूट में दिक्कत हो उसके, इसका ओक भी नीचे लगा रखा हमने, और देख लेंगे अगर और जरूरत होगी तो और नीचे लगा लेंगे, बाकी ओक इसका ऑलरेडी नीचे है, जल रो पता, देखो यार पेंट उड़ने लग गया, देखो इस पर कोई और जुगाड़ करना पड़ा, मतलब पेंट इस पर पूरी मोटी परत चढ़ानी पड़ेगी हमने थोड़ी इस पर कमजोर परत चढ़ाई थी, यहाँ तक इसमें स्पेस है, यो भी इसका यहाँ पे एक नट लगेगा, वो मैं बता रहा था आपसे भी, था टाइम ही कहाँ है, गाड़ी खराब होगी ना अपनी, एक दिन सारा दिन वहाँ पर खराब हो गया हमारा। बाकी कल ना सोन वाला ट्रैक्टर भी आ जाएगा, और उस ट्रैक्टर का परफॉर्मेंस चेक करेंगे, टर्बो लगने के बाद कैसे क्या परफॉर्मेंस आ रही उसकी भी, 61 नंबर टर्बो लगी उस पर भी। अब काफी टाइम हो गया, फिलहाल बिना किसी देरी के ट्रैक्टर बाहर निकाल लेते हैं, कपड़े कुपड़े चेंज कर लेते हैं, वो भाई अपना खेत में इंतजार कर रहे, तो खेत में चलकर मिलते हैं आपसे, आ जाओ। इस गाड़ी का टोचन होगा भाई अपने वाले ट्रैक्टर के साथ, बस प्रॉब्लम ये 4x2 है, स्वराज के साथ भी टोचन कराऊंगे और टोचन किंग के साथ भी टोचन कराऊंगे। पहला तो भाई ब्रेकिंग टेस्ट करेंगे, क्योंकि देखो ब्रेक इसके चारों पहियों में है,
ट्रैक्टर को ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा जब इसके चारों चारों पे मतलब ब्रेक की वजह से रुक जाएंगे ना, तो ट्रैक्टर को ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा खींचने के लिए, तो इसलिए पहला ब्रेकिंग टेस्ट करेंगे इसका। मेरा फोन दे दो, हैंड ब्रेक खींच के न्यूट्रल पे लगा के फिर ब्रेक ब्रेक माने जोर नहीं लगाना इसका। फॉर्च्यूनर के साथ हो जाए, चल टाइट कर राम दे भाई। हमने इस गाड़ी के साथ ना आराम से टोचन करना, वो थार वाला सिस्टम नहीं करना, थार के पीछे से बैक लाइट टूट गई थी, बिल्कुल आराम से टोचन करना भाई, कोई भी टूट फूट ना हो। ट्रैक्टर गोले भी नहीं भाई, ना ना रेस मत, ना 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 इस तो ली भाई, रोक ले बस रोक ले, ब्रेक तो हो गए भाई इसके रेस्ट दे, उसमें देख पर तू ब्रेक मार ले इसके, ब्रेक मार ले उसके, न्यूट्रल कर दे गति, ना नॉर्मल चलाना भाई, ना ना बंद ना कर, पहला चौथा है नीचे कर दो, एक बार और होगी पहले हो गया, ब्रेक ब्रेक दा तेरे क्लच नहीं छोड़नी, हाँ ब्रेक खा न्यूट्रल कर, ब्रेक खा खड़े हो जा, हाँ चल रहा सोनू, या 4x2 है भाई, 4x4 नहीं है, चल ज्यादा जोर नो भाई, ओ भाई रुक रुक जा, बस बस ज्यादा जोर ना लो भाई, चौकी तो भाई सौराज के साथ और देखेंगे भाई, ऐसी दरोगा आ चुके भाई हमारे, हमारे ग्रुप के दरोगा, लगा लगा चल, लगा लगा लगा, या 4x2 है ना, तो हमने इसके ब्रेक लगा दिए थे भाई, ब्रेक तो मतलब ये लगा लो भाई, आइए एक बार लिफ्ट, या लिफ्ट निकाल एक बार इसकी, लग तू ही ना पकड़, मैं काट दूंगा, रुक जा पीछे लिया, पीछे लिया इस मकान, और इसकी भाई लिफ्ट टोचन डाल दिया मैंने, ताकि ट्रैक्टर कम जोर लगा लगा हुआ है, ज्यादा जोर ना लगा हुआ है, चल चल रेस ना दे भाई, बेइज्जती नहीं होने देंगे यार, थोड़ी बहुत तड़ाऊंगे, आजा जानी, आजा 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 देखो भाई अब अट सका शायद, चल भाई चले चले चल, नीचे देखो नीचे देख, रोक रोक लिया भाई, रोक लिया रोक लिया, ये भी रोक लिया भाई, नहीं चढ़ तुम जाओ खड्डा में गड़ी, नहीं चढ़ जाएगी, ओए लिपट ऊपर कर लड़के लड़की फिर इसकी, हाँ हाँ लिपट था लिपट हुआ, हाँ राम और यार सुना दे भाई यार सोनू, कर ऊपर कर 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 पूरी कर दे, एक तो रुक गया भाई, हैं ना ना झटका नहीं, रहन दे रोक ले बस, कम ट्राई ठीक है, रुकवा दी नहीं, चल सोनू ओ झटका ना मेरी, चल रहा झटका ना मेरी, खड्डे में ना वो पीछे ले आए बारी, पीछे आन दे, रुक जा ओए ओ रुक जा, पीछे आन दे, ब्रेक भी ब्रेक ना मेरी, न्यूट्रल कर दे, चल सोनू ब्रेक कटे, जिसमें टोचन का लग रहा है नवंबर नहीं, ये टूट गया टूट गया, क्यों यार इधर खाई चिट कमा जा रहा है, मैंने क्या मेरा हार दिया यार, मैं तो ऐसे उस मत मोड़ में अपना प्रभाजी प्रभाजी अन्ना तेरे कहने कर तेरे कहने तेरे दिमाग कट जा रहा था।
भाई देखो इतनी प्यार था इस गाड़ी के साथ, हमने टोचन करा था लेकिन फिर भी इसका टूट गया, पता नहीं क्यों। जो भी टोचन हम करा उसमें कुछ ना कुछ टूट फूट जरूर हुआ है, या तो टोचन टूटेगा या वही ट्रैक्टर टूटेगा या ट्रैक्टर का हुक टूटा, कुछ ना कुछ जरूर टूटा है। इधर का कुंडा तोड़ दिया, अरे चल पड़ेगा रहा। लो जी फाइनली हम घर पा गए, टोचन हमने करके देख लिया और एक जबरदस्त वीडियो हमने ना रेस करी थी फॉर्च्यूनर के साथ, वो वीडियो या तो कल डालो या परसों डालो, उसमें बहुत ही खतरनाक सीन क्रिएट हो गया था यार, बहुत ही नेक्स्ट लेवल का, वो वीडियो कल ना होगी। बाकी कोई नहीं, मिलते कल एक और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सी यू।